गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 5 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लेकर आए हैं नंबर्स का, जिसे प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, ट्विन प्राइम्स है और कंपोजाइट नंबर है। ये सब जो है एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है, साथ में कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिससे थोड़ी सी अगर जानकारी ना हो तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। आज इस दुविधा को हम जो है समाप्त करने वाले हैं। तो आइए क्लास 5 के कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल ओनली बाय देमसेल्फ एज वेल एज वन। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो अपने आप से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, मतलब वन और स्वयं से जो डिविजिबल होता है उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इससे वन से और अपने से अगर डिविजिबल हो तो वही प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। देखिए 2 1 और 2 से डिविजिबल हो, यानी 1 और अपने से स्वयं से सेल्फ से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। 11 को देखिए 1 और 11 का ही टेबल में आएगा और दूसरा कोई टेबल में नहीं आएगा, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोला। अब नेक्स्ट पारी आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम। हम लोग को प्राइम उसी संख्या को बोलेंगे जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन, जिसका कॉमन फैक्टर कितना होगा, वन होगा, ओनली वन होगा। उन संख्या उन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर ओनली वन होगा। जैसे आप देखिए 2 एंड 3, इसका फैक्टर कितना होगा, कॉमन फैक्टर वन होगा ना। 5 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा। 69, 21 का कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो वन होगा। दिखाते मान लीजिए 5 का फैक्टर वन हो, 5 का टेबल में आता है, 9 जो है आपका किसमें आता है, 1 3 और 9 का टेबल में आता है, लेकिन कॉमन फैक्टर कौन है, ओनली 1 है, तो जिसका ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम लोग को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं 2 प्राइम नंबर्स। देखिए 2 प्राइम नंबर्स होगा व्हिच डिफरेंस इज ऑलवेज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी दो प्राइम नंबर संख्याएं जिसका हमेशा डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन है, एग्जाम्पल में 3, 5, 5, 7, 11, 13 और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जिसको ट्विन प्राइम नंबर्स क्यों बोला गया, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। देख लीजिए डिफरेंस करके 5 में 3 गया, कितना आया डिफरेंस, 2 आया, तो हमेशा डिफरेंस जब 2 आएगा उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग कंपाइंड कंपोजाइट नंबर। व्हाट इज द कंपोजाइट नंबर, द नंबर दैट हैव 2 और मोर फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 आर कॉल्ड कंपोजाइट नंबर। वह संख्या जिसका जो है 1 के अतिरिक्त 1 के अलावा और 1 के अतिरिक्त जो है यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाइंड कंपोजाइट नंबर। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता था, ओनली 2 फैक्टर्स का आता था, लेकिन कंपाइंड कंपोजाइट नंबर में क्या होगा, 2 से अधिक फैक्टर्स होगा। 2 से कितना फैक्टर्स होगा, अधिक। आप देखिए 4 में कितना फैक्टर्स आ रहा है, 1, 2, 4, 2 से अधिक फैक्टर्स है, इसलिए इसको हम लोग कंपोजाइट नंबर। 8 को लीजिए, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 8 का टेबल में आता है, यानी 2 से अधिक 2 और मोर फैक्टर्स है तो क्या होगा, ये आपका कंपोजाइट नंबर होगा। 9 को लीजिए, 1 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 9 का टेबल में आता है, तो ये क्या है, 2 से अधिक जिसका फैक्टर्स हो वह कंपोजाइट नंबर में आता है। ये सब का डेफिनेशन और ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आगे क्लास में आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी।